दोस्तों फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी टकाटक खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज की बात करें तो दोस्तों पांच बड़ी खबरें हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। पहली खबर है ऋतिक रोशन और सैफ अली खान स्टारर विक्रम वेदा फिल्म के टीजर के बारे में। फिल्म के टीजर का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और अब कंफर्म हो चुका है कि फिल्म का टीजर इसी हफ्ते में रिलीज किया जाने वाला है। टीजर का इंतजार ना केवल फैंस कर रहे हैं बल्कि बॉयकॉट गैंग भी उसका बेसब्री से इंतजार कर रही है ताकि वो और कुछ ढूंढ सके जिसको बॉयकॉट किया जा सके। ज्यादा जानकारी के लिए आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। अगली जो खबर है वो है सुपरस्टार रजनीकांत की नेक्स्ट फिल्म के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रजनीकांत की फिल्म जेलर का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया है। फिल्म की शूटिंग 22 अगस्त 2022 को शुरू हो चुकी है। पोस्टर में हम देख सकते हैं रजनीकांत एकदम नए लुक में देखने को मिल रहे हैं। अगली अपडेट है रॉकेट बॉय के सीजन 2 के बारे में। सोनी लिव की इस सीरीज के दूसरे सीजन का अनाउंसमेंट टीजर रिलीज किया गया है। पहले सीजन को लोगों ने बहुत पसंद किया था, अब दूसरे सीजन में पोखरण की स्टोरी दिखाई जाएगी। हालांकि सीरीज की रिलीज डेट के बारे में अभी नहीं बताया गया, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि ये सीरीज हमें बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। अगली अपडेट है दोस्तों पुष्पा के बारे में। पुष्पराज फिर से बॉलीवुड पे राज करने आ रहा है। आज के दिन यानी कि 22 अगस्त पार्ट 2 की पूजा सेरेमनी रखी गई है। फिल्म के शूटिंग लोकेशन फाइनल हो चुके हैं और फिल्म इस बार रीजन और इंटरनेशनल लैंग्वेज को मिलाकर 10 लैंग्वेज में रिलीज की जाएगी। फिल्म अगस्त 2023 तक रिलीज की जा सकती है। और जो लास्ट अपडेट है वो है मिर्जापुर 3 के बारे में। दोस्तों मिर्जापुर सीजन 3 की शूटिंग शुरू हो चुकी है और इसके कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। वीडियो में हम गुड्डू भैया को देख सकते हैं जो कि त्रिपाठी चौक में हथौड़ा लेकर पहुंच चुके हैं। बात करें रिलीज डेट की तो उम्मीद की जा सकती है कि अगले साल हमें इस सीजन को देखने को मिल सकता है। दोस्तों फिल्मी दुनिया की अप टू डेट जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।